हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, संडे की आज सुबह है और संडे का जैसे मतलब मेरा रूटीन है कि मैं एक तरफ कपड़े लगाती हूँ, एक तरफ घी भी बनाती हूँ क्योंकि मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो घी घर का ही मैं बना लेती हूँ और इतना मतलब बच जाता है कि हम दोनों के लिए काफ़ी होता है। और इधर यहाँ पर घी बनाने के बाद जो उसका जला पार्ट बचा था ना, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, उसी में प्याज और नमक और हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया डालकर मैंने पराठे भी बना दिए हैं साथ साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं मेरी हालत, मतलब घर पे रहो तो संडे के दिन ऐसे ही हो जाता है। सारा दिन लगी रही हूँ और अब नहा के निकली हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा आज सारे समेटूंगी वरना ना पूरे हफ्ते ऐसे हो जाता है कि पूरे दिन काम करते रहो। काम मतलब इतने सारे कपड़े थे उस दिन के, मतलब इनके ना बर्थडे वाले दिन के, उस पे केक लग गया था मेरी साड़ी में और इनके कुर्ते पे भी थोड़ा सा। तो फिर मुझे लगा कि आज ना वो सब तो मशीन में डाल नहीं सकती थी तो ख़राब जाती वो साड़ी, तो वो सब मैंने हैंड वॉश किया है, सब इजी वॉश कर लिया है। और एक दो मेरे जैकेट भी थे वो भी इजी वॉश की हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इजी में धो के फिर रख लूँगी प्रेस करवा के धोबी से। वो सब करके मैं हट रही हूँ और अभी जस्ट नहा के बस ये टॉप डाला है। और अभी मुझे जैसा कि घर का काम करते करते 2 बज गए, घड़ी में देख सकते 2:30 बज गए। आज इतना काम की हूँ सुबह से। और मैं दिखा दूँ, कपड़े के धोबी घाट बना रखी हूँ। मैंने कहा आज कपड़े का काम नहीं हो पाएगा तो सच में बताऊँ पूरे हफ्ते ही नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ और कपड़े देखिए बस सब सूख जाएगा तो सब प्रेस करने का काम होगा। थोड़ा धोबी को दूंगी और थोड़ा खुद करूँगी, जो मतलब खुद करने लायक होते हैं ना मेरी कुर्तियाँ वर्तियाँ। लगता है कि एक कुर्ती के मैं 6 रुपये क्यों ही दूँ, वो कर लूँगी, बट इनके कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनके लिए मुझे देना पड़ता है धोबी को। अभी जैसा आप देख रहे हैं इस पे भी चेयर पे भी कपड़े हैं इनके, जीन्स वगैरह ये सब गट्ठर बना लेती हूँ, धोबी भैया को दे देती हूँ फटाफट। और सच में बताऊँ तो आज काम करके हालत ख़राब हो जाती है मेरी। अभी मुझे जाना भी है कहीं, और एक तो जाने का भी रोज़ रहता है ना, संडे वाले दिन में ना जाने का कभी ऐसा होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसमें और थकावट हो जाती है। तो मैंने ना अभी कंघी ना ऐसे ही सुबह की हूँ, ना बिंदी कंघी कुछ ही नहीं की हूँ, मैंने कान भी ऐसे हो रखे, देख रहे हैं मेरा हालत देखिए, मतलब मेरी हालत आज ऐसी हुई है बिल्कुल ही। तो अभी मैं कपड़े धो के उठी हूँ, भूख बहुत तेज से लगी, मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, समझ नहीं आ रहा है। बना लेती हूँ मैं खिचड़ी, तो ये थोड़ी सी चावल ली हूँ, मतलब कल भिगो दी थी तो इसकी अंकुरित भी हो गए। मैंने सोचा चलो अब इसी की दाल में डाल के बस खिचड़ी बना लेती हूँ, हेल्दी सी हो जाएगी। दाल ज़्यादा है, चावल कम है, क्योंकि मुझे हमेशा दाल ज़्यादा वाली और चावल कम वाली ही खिचड़ी पसंद आती है, वरना सारा चावल चावल का टेस्ट लगता है। इसमें मेरा लहसुन है जो मैं छील के रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो है खिचड़ी मैंने मतलब चढ़ा दी है, वो पकती रहेगी, मसाले वसाले सब डाल दी हूँ। तो मेरे ना ये हो रहे हैं पकरे, तो ये चने खाने जा रही हूँ, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, पहले खाना खाऊंगी उसके बाद ही कुछ करूँगी। भाई खिचड़ी तो मैं चढ़ा चुकी हूँ और खिचड़ी जब तक होगी तब तक थोड़े से चने खाऊं एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत कपड़े हाथ से धोई हूँ बहुत ज़्यादा। जब तक मैं मतलब यहाँ पर छोले वगैरह खा रही हूँ तब तक आप लोग ना देखिए श्रेया कैसे अपनी स्टडी कर रही है, क्योंकि उसका कोई एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना है, मतलब उसका एग्ज़ाम है और एकदम पागल हुई पड़ी है कि उसको उसको क्लियर करना ही करना है, कोई एग्ज़ाम है और जल्दी आपको पता भी चल जाएगा। तो वो आज कैसे पढ़ाई की है, मतलब कल पढ़ाई करके उसने मेरे पास वीडियो शूट करके भेजी कि मम्मी मैं आजकल इस तरह से पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो आजकल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही है और किसी चीज़ पे नहीं। आज मैं आ चुकी हूँ एक कैफ़े में अपने पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, घर पे प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर जाके ट्राई करते। एक्चुअली मैंने क्या सोचा, मेरे जूनियर मुझे खींच के लेके चली गई, मैंने भी सोचा एक बार ट्राई करके देखते कि बाहर ऐसा क्या है जो घर में नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, जो प्रोडक्टिविटी बाहर आई वो घर में एक साथ कॉन्टिन्यूस ऐसी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। बाहर हम लोग बैठे 5 घंटे, हम लोग हिले नहीं, लगातार पढ़ाई की। जब छुट्टी होती है ना तो वैसे भी प्रोडक्टिविटी कमी हो जाती है, सुबह जो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है ना वो शाम होते 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 तक बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना एनवायरनमेंट स्टडी एनवायरनमेंट चेंज कर लो एक बार, तो मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बिल्कुल रिचार्ज हो जाता है, आप बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर लेते हो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और एक तो आपके साथ कोई होता है ना तो आपको और भी ज़्यादा होता है कि नहीं आपको करना है करना है, कि
क्योंकि कोई और भी आपके साथ आया हुआ है। तो जैसे मेरी जूनियर एक कॉर्नर पे बैठ गई थी और मैं एक कॉर्नर पे बैठ गई थी, तो हमने मजे से पढ़ाई की। फाइनली मैं आ गई हूँ अपना स्टडी सेशन करके, और इतने टाइम बाद इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन था। मतलब एक होता ना कि आप सुबह पढ़ लेते फिर आप शाम में नहीं पढ़ते लेकिन आज ऐसा था कि पूरा दिन प्रोडक्टिव था। उसके बाद हम लोग बात किए, घूमे, मतलब फिर अच्छी फीलिंग आती है कि आज आपने पूरा दिन काम कर लिया जो आपको करना था, उसके बाद चाहे आप घूमो फिरो बात करो कुछ करो, फिर आपको गिल्ट फील नहीं होता। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैं ना प्रोडक्टिव होती ना तो मेरी खुशी अपने आप झलकती है मेरे चेहरे पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक बार पढ़ ली अच्छे से। क्योंकि पढ़ाई के बिना देखो, एक मेडिकल स्टूडेंट और एक डॉक्टर का काम तो चलना नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद भी आपको पढ़ना ही है जिंदगी भर, ये सच्चाई है। तो इससे आप भाग नहीं सकते। अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए तो आप भैया बिजनेस कर लो, लेकिन आपको सच में सर्व करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना आसान बात नहीं है भाई, सीधी सी बात आसान बात नहीं है। तो इसलिए आपको सच में अगर डॉक्टरी पेशे से प्यार है तभी ले अगर आपके दिमाग में एक बार भी साइड ऑप्शन है कि मैं ये नहीं ये कर सकती थी या कर सकता था, तो भैया आई एम सॉरी टू से, डोंट कम इन मेडिसिन टू बी ऑनेस्ट। हालांकि मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की हूँ और अब मैं तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने ये वाला सूट पहन लिया है क्योंकि आगे ये पहना नहीं जाएगा, तो मैंने कहा चलो आज एक बार और पहन लेती हूँ। और हमारे ना जो ABSS का है उसमें ही आज प्रोग्राम है, देखती हूँ क्या प्रोग्राम है, आई डोंट नो बट कुछ तो है। तो फिर मैं चलती हूँ, वहाँ चलना था। अभी मुझे लेने ममता आ रही है तो मैं एकदम तैयार हूँ, और वहाँ से आने के बाद फिर घर के काम पे लगती हूँ। तो आप लोगों ने देखा आज श्रेया ने किस तरह से स्टडी की है, और मैं चाहती हूँ आप लोगों का बहुत सारा प्यार और दुआएं मिले, मेरी बेटी जो चाहती है वो उसको हासिल हो। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद, और मैं वेट कर लेती हूँ ममता मैम का। जैसे ही वो आती हैं वैसे ही मैं नीचे जाती हूँ, नीचे आके खड़ी हूँ। और अभी ममता मैम नहीं आए हैं, मैं वेट कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा वेट ही कर रही हूँ उनका। ये भी आ गए हैं और मैं भी आ गई हूँ, सारी सब्जी वब्जी लेके बेचारे आ गए हैं। मैं आई हूँ, मतलब हम दोनों साथ में आए हैं, ये भी अच्छा है, पहले नहीं आए। लॉक खोल रही हूँ, ये शूज निकाल रहे हैं क्योंकि भाई बाहर से शूज अंदर, हमारे घर में ये रूल है, मेरा एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, बाहर के शूज चप्पल अंदर नहीं जाने चाहिए। चलो बता रहा हूँ, घर में अंधेरा ही है, मैं भी अपने निकाल दूँ। बस घर के हमारे घर में रहते हैं, और लाइट जला दी, घर के घर में रहते हैं, बाहर के यही उतार देती हूँ मैं, हमारे सारे उतार देते हैं। आ गई, हमारा जो प्रोग्राम था उसमें से, रोजी हमारा प्रोग्राम होता रहता भैया, हमारा प्रोग्राम देखे तो लोग भी परेशान हो गए हैं अब तो, लेकिन हम नहीं परेशान हुए। हमको चाहे कितना ही प्रोग्राम करवा लो, चाहे कितनी बार ड्रेस चेंज करवा लो, चाहे कितनी बार तैयार करवा लो, हम नहीं परेशान होने वालों में से हैं। ये कटे मेरा इधर आ गया, हम तो सारा दिन तैयार होके जाने में रहते हैं, घर का भी कर लेती हूँ और मस्ती भी कर लेती हूँ। तो चलिए बस हो गया मेरा घूमना। और आज ना इस सूट से भी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, बस अब इसको अभी अंदर रखूँगी क्योंकि, और ये रहे श्रेया के इयररिंग्स, ये इस पर बहुत ज़्यादा मैच करता था, मैं ये पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा अलग सा लगता है। और आज इतने कपड़े धोई हूँ कि मेरी ना हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं थोड़ा सा सो गई थी ऐसे गहरी नींद में, उठी हूँ झट से, फिर कपड़े डाली और चली गई। चलिए प्यास लग जाती है आजकल ना, गर्मी थोड़ी होने लग गई है तो प्यास भी लग जाती है, बाहर से आओ तो प्यास ही लगती है। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, बाहर से कपड़े लाऊंगी, फिलहाल मैं एक एक कपड़े तह करूंगी, रखूंगी, पानी पीऊंगी और थोड़ी सी शाम की पाठ करूंगी थोड़ा सा, फिर बस खाना बनाऊंगी, इतने में हो जाएगा सोने का टाइम। और सुबह जाना है स्कूल, सुबह वही फिर जल्दी उठना, जल्दी जल्दी करना, फिर एक हफ्ता वही सेम रूटीन रहता है। और संडे भी ऐसे निकल गया, कल सैटरडे था तो कल क्या कि सारा दिन शिवरात्रि में निकल गया, तो बस ऐसे हो गया सारा दिन। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है और डेली व्लॉग्स जा रहे हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जितना हो सकता है उतनी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।